रिंकू सिंह ने तोड़ा है आईपीएल में महेंद्र सिंह धोनी का बड़ा रिकॉर्ड, जानकर आप सभी को होगी हैरानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का इसके स्पोर्ट के और नई वीडियो। तो दोस्तों, रिंकू सिंह ने आईपीएल में कौन सा बनाया अनोखा रिकॉर्ड और किस प्रकार से तोड़ा है धोनी को पीछे, बताएंगे सब कुछ इस वीडियो में। लेकिन अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी के फैन तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर पहली बार है तो दोस्तों आईपीएल से जुड़ी छोटी बड़ी अपडेट देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो में बढ़ते आगे, देखते हैं आज की पूरी अपडेट। दोस्तों, आईपीएल 2023 के 13वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात के खिलाफ खेले गए मुकाबले में बल्लेबाज रिंकू सिंह ने गुजरात के खिलाफ आखिरी ओवर में लगातार 5 छक्के जड़ते हुए टीम को 3 विकेट से अविश्वसनीय जीत दिला दी। दोस्तों, अंतिम 8 गेंदों में 39 रनों की आवश्यकता थी। रिंकू ने एक चौका और एक छक्का मारा। अंतिम ओवर की पहली गेंद पर उन्हें उमेश यादव ने सिंगल लेकर स्ट्राइक दे दी और फिर रिंकू ने यश दयाल की बची हुई 5 गेंदों पर लगातार 5 छक्के जड़कर इतिहास रच दिया है। दोस्तों, इससे पहले T20 के इतिहास में आखिरी ओवर में 23 से ज्यादा रन चेंज करती हुई टीमें नहीं दिखी थी। दोस्तों, 2015 बिग बॉस लीग में सिडनी थर्स्टन में सिडनी सिक्सर्स के खिलाफ हुए मुकाबले में 23 रन चेज करते हुए जीत हासिल की थी। इसके अलावा साल 2016 में सनराइजर्स पुणे सुपर जायंट्स के लिए खेलते हुए महेंद्र सिंह धोनी ने किंग्स इलेवन पंजाब के गेंदबाज अक्षर पटेल के खिलाफ आखिरी ओवर में 23 रन बनाकर जीत दिलाई थी। रिंकू सिंह ने इस मैच में 21 गेंदों में 1 चौके और 6 छक्कों की मदद से नाबाद 48 रन की तेज तर्रार पारी खेली। उनके द्वारा लगातार 5 छक्कों की मदद से कोलकाता नाइट राइडर्स को अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस के खिलाफ रिकॉर्ड तोड़ लक्ष्य हासिल करने की मदद मिली। उनके द्वारा लगाए गए छक्कों का वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। तो दोस्तों, आज की जानकारी में इतना ही। जानकारी अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इस खबर के बारे में आप अपने व्यक्तिगत राय नीचे हमें कमेंट सेक्शन में लिखे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।